हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुष्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे लोकल विंड्स के बारे में। ये है मेरा टेलीग्राम अकाउंट, जहां से आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हमने क्लाइमेटोलॉजी में अभी तक जितने भी हमारे लाल में मैंशन है, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। इसमें हम बात करेंगे विंड्स के बारे में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था जो विंड है हमारा सर्कुलेशन वो कैसे होता है। हमने तीन तरीके की विंड भी देखी थी, वो मैं आगे बताऊंगा। और इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोकल विंड्स की। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंक्लूड किया था, जो विंड है हमारी तीन तरीके की होती है। सबसे पहला परमानेंट विंड, जिनको हम प्राइमरी विंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने इनमें, सब ट्रॉपिकल ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्ली हो गया और पोलर ईस्टर्ली हो गया। सेकेंडरी जो विंड थी हमारी, जिनको हम सीजनल विंड भी कहते हैं, इसमें हमने बात किया था मानसूनल विंड की, माउंटेन वैली ब्रीज की और लैंड और सी ब्रीज की। और मैंने थर्ड बताई थी आपको टर्शरी विंड, जिनको हम लोकल विंड भी कहते हैं। वही हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, लोकल विंड होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, लोकल विंड मतलब क्या होता है, वो विंड जो लोकल एटमोस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करती है, या जो जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म की कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, उस पर डिपेंड करती है, इन्हीं को हम लोकल विंड कहते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए कोई एक्स नाम की जगह है और उसकी जो लैंडफॉर्म और एटमोस्फेरिक कंडीशन है वो एक्स वाई है, तो वो एक्स वाई कंडीशन पे जो विंड ओरिजिनेट होगी उसी को हम कहेंगे, जो लोकल विंड होते हैं उसी को कहेंगे। क्लियर हो गया, ये लोकल विंड होती है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये पर्टिकुलर एक्स जो प्लेस है वहां पे ओरिजिनेट होती है, बट जो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमको एक्स पर ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी देखने मिलता है। तो वही लिखा हुआ है, दो दीज विंड हैव लोकलाइज्ड इम्पैक्ट बट दे कैन मॉडिफाई द लोकल वेदर कंडीशन अप टू अ ग्रेट डिग्री। मतलब क्या है कि ये जो अप विंड है अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं किसी दूसरी जगह में भी जाने के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिए, इनके अगर हम कैटेगराइज करें तो इनको हम दो थर्मल प्रॉपर्टीज पे कैटेगराइज कर सकते हैं, ये जरूर से याद रखना। सबसे पहला है हॉट एंड ड्राई लोकल विंड और दूसरा है कोल्ड एंड ड्राई लोकल विंड। इनके भी दो सब पार्ट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए बस ये जान लो कि इनके भी दो सब पार्ट हैं, दो हॉट एंड ड्राई लोकल विंड है और दो ही कोल्ड एंड ड्राई लोकल विंड है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, दोनों की दोनों ही विंड ड्राई है। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो हॉट एंड ड्राई लोकल विंड है ये दो तरीके की होती है। जो पहली होती है, हम ये ओरिजिनेट होती है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। अब ट्रॉपिकल डेजर्ट से मेरा क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे समझिए। मान लीजिए ये पूरा अर्थ का मैप है और यहाँ पे कहीं पे है हमारा इक्वेटर, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे कहीं पे हमारा इक्वेटर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कुछ यहाँ कहीं पे होगा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कुछ यहाँ पे होगा। तो देखिए, जो जो हमारे डेजर्ट वो इस वाले इलाके में आते हैं, ये इलाके जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे हमको जो डेजर्ट है ये ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज बताऊँ आपको, तो ये सबसे पहले हॉट होते हैं बहुत ज्यादा, ड्राई होते हैं और डस्टी होते हैं, और यही हीट वेव कंडीशन हमारे यहाँ पे बनाती है और ये ओरिजिनेट होते हैं मेनली समर में। क्लियर हो गया। अगर एग्जाम्पल देके बताऊँ मैं इनको, सिरोको, हर्मटन, लू, सेंटाना, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। ये हम सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जो विंड है ये सारे के सारे दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। जो सेकेंड विंड है ये ओरिजिनेट होती है लीवर्ड साइड की तरफ से। अब लीवर्ड साइड से मेरा क्या मतलब है, सबसे पहले वो समझ लो, डेफिनेशन बाद में समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारा माउंटेन है एग्जाम्पल, और यहाँ से जो विंड है हमारी आ रही है, जो विंड है बहुत ज्यादा हॉट है और अपने साथ जो मॉइस्चर है वो लेके आ रही है। जब ये मॉइस्चर आ जाएंगे तो ये एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा माउंटेन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फ्रिक्शन होते हैं जो विंड के डायरेक्शन को मूव कर देती है या विंड की जो कैपेसिटी है उसको धीमा कर देती है। जब ये विंड माउंटेन है वो सामने आ जाएगा तो जो विंड है ये ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। जब ये विंड ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगी तो ये करेंगी क्लाउड फॉर्मेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। जब ये क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी तो यही जो क्लाउड है वो बारिश करेंगे, बट ये चीज याद रखना, जब ये बारिश करेंगे ना तो माउंटेन के इसी तरफ करेंगे, इस तरफ नहीं करेंगे, और इन्हीं को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। क्लियर हो गया, ये भी याद, इस डायग्राम मतलब डायग्राम या पीपीटी में नहीं डाला, बस आप याद रख लेना। जिस तरफ ये जो हवाएं हैं बारिश करवाती हैं इनको कहते हैं हम विंडवर्ड साइड। अब देखिए, ये जो विंड आई थी यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन कर दिया, इन्होंने सारा मॉइस्चर यहाँ दे दिया, तो अब ये विंड जो होंगी जब इस तरफ आएंगी ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगी, क्योंकि इनमें जो मॉइस्चर था वो सारा निकल जाएगा इनका, तो इसी वजह से कहेंगे इनको लीवर्ड साइड। क्लियर हो रहा है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेकेंड काइंड ऑफ विंड ओरिजिनेट ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन ड्यू टू शिंकिंग ऑफ एयर फ्रॉम द माउंटेन टॉप टू द वैली फ्लोर एंड रिलेटेड टू द कंप्रेशन एंड हीटिंग। वही जो मैंने आपको समझा दिया, ये होती है इनका जो बिहेवियर होता है सिमिलर होता है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर
बेल्ट की लो प्रेशर, जो प्रेशर बेल्ट होती है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल दूँ तो ये है चिनूक, जोंडा एंड फोन, ये भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली विंड से। देखिए पहली है हमारी सिरोको, मैंने ऑलरेडी बता दिया जो सिरोको थी हमारी क्या हॉट एंड ड्राई लोकल विंड है, जो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। देखिए ये क्या है, हॉट डस्ट लेडन साउथ वेस्टर्ली विंड विच फ्लो फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टूवर्ड मेडिटेरेनियन सी ड्यूरिंग समर सीजन। अब देखिए इस डायग्राम को समझिए पहले, मैं उसको बाद में समझाऊंगा आपको। देखिए आपको थोड़ी भी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से फेमिलियर हो तो आपको पता होगा जो ये वाला जो मैं रीजन मार्क कर रहा हूँ, ये क्या किसके अंडर में आता है, सहारा रीजन के में। सहारा क्या है, डेजर्ट है। देखिए ये जो विंड होती है यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये किस तरफ जाती है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, और आगे क्या है, यूरोप। आपको पता होगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो पूरा है ये सारा आगे की तरफ है। जब यहाँ से जब विंड होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है, जब बहुत ज्यादा गर्म होगी तो ये जो मेडिटेरेनियन सी का से मॉइस्चर उठा के जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है यहाँ पे बारिश कराती है। क्लियर हो गया, अब वही लिखा भी हुआ है। और इन्हीं को डिफरेंट कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से जानते हैं, खमसीन है इजिप्ट में, गिबली है लिबिया में, चिली है टनीसिया, टनीसिया में। अब एक और कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना। देखिए मैं आपको पता होगा जो सहारा डेजर्ट है इसकी जो रेत है ये किस कलर की है, रेड कलर की है, जो ब्लड रेन जो होते हैं इसी विंड को हम कहते हैं। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा आपको, तो ये जरूर से याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा हरमटन। हरमटन जो है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न विंड है। नॉर्थ ईस्टर्न से मतलब क्या है कि मतलब जो विंड है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। एक्सपीरियंस वेस्ट अफ्रीका फ्लोइंग फ्रॉम द सहारा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझिए फिर मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये वाला रीजन क्या है, सहारा रीजन। अब यहाँ से जो विंड है ये ओरिजिनेट हो रही है और ये जो वेस्टर्न अफ्रीका है इस तरफ जा रही है। अब ये क्या है, एक हॉट एंड ड्राई विंड है। आपको पता होगा जो वेस्टर्न अफ्रीका है वाला, ये वाला जो रीजन है ये बहुत ज्यादा मॉइस्ट है, ठीक है। मॉइस्ट है, मॉइस्ट है मेरा मतलब क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे चिपचिपा रहता है। जब यहाँ पे जो गर्म गर्म हवाएं आएंगी तो ये जो चिपचिपापन है ये भी दूर करेंगी। इसी वजह से क्या होता है, ये यहाँ के जो लोग होते हैं वेस्टर्न अफ्रीका के, जब ये वाली विंड आती है बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जो मॉइस्ट कंडीशन होते हैं उसको इरेडिकेट करती है ये वाली विंड। अब देख लेते हैं डेफिनेशन, द स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्थ द स्ट्रॉन्ग नॉ इट इज अ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड एक्सपीरियंस इन द वेस्टर्न अफ्रीका ब्लोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द सहारा डेजर्ट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दीज विंड बिकम एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली एक्सट्रीमली वेरी ड्राई बिकॉज ऑफ देयर जर्नी ओवर सहारा डेजर्ट। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका इज वार्म एंड मॉइस्ट। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जब ये यहाँ पे आते हैं इन्हीं को डॉक्टर्स विंड भी कहा जाता है, तो ये भी जरूर से याद रखना, जब ये वेस्टर्न अफ्रीका में आती हैं तो इन्हीं को डॉक्टर्स विंड भी कहा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए थर्ड विंड है हमारी संताना, ठीक है। आपको इसमें बस एक चीज याद रखना है कि जो हमारे आपको पता होगा मोजावा डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है यहीं पे हमको देखने मिलते हैं, बस इसको आपको यही चीज याद रखनी है कि जो संताना है हमको नॉर्थ अमेरिका के मोजावा डेजर्ट में मिलती है। क्लियर हो गया, चलिए जो नेक्स्ट है हमारी लू। देखिए आप अगर आप इंडियंस हैं तो सारे फेमिलियर होंगे लू से, ठीक है। मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन जो हम गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा विटनेस करते हैं। अगर मैं आपको बताने की लू की बताने की कोशिश करूँ तो ये बहुत ज्यादा हॉट होती है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है, जो ब्लो होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून। अगर मैं आपको रीजन मार्क करने की कोशिश करूँ, ये हम बाद में देखेंगे, अगर मैं रीजन आपको मार्क करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ये वाले रीजन में बहती है, ठीक है। जो ये वाला मैं रीजन पूरा मार्क कर रहा हूँ इसमें क्या बहती है, लू बहती है। और आप स्टेट अगर दिखाने की कोशिश करो, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड बिहार, तो मैंने सारा रीजन जो डायग्राम में मार्क किया है, अगर आप मेंस में आ जाए तो ऐसे ही भी मार्क करके दिखा सकते हो कि यहाँ ये रीजन है जहाँ पे लू फ्लो करती है। क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट विंड है हमारी चिनूक। ये भी याद रखना, जो चिनूक है ये लीवर्ड विंड है, ठीक है। जो हॉट एंड ड्राई जो ट्रॉपिकल थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसका मतलब है, चिनूक का मतलब है स्नो ईटर, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, बस पहले आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इट इज वार्म ड्राई एंड साउथ वेस्टर्ली विंड, इट फ्लो थ्रू द डाउन द लीवर्ड स्लोप ऑफ द रॉकीज इन द पार्ट ऑफ यूएसए। अब इस डायग्राम को समझिए, लीवर्ड में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अब देखिए इस डायग्राम को समझिए सबसे पहले। ये रही चिनूक हमारी, आपको पता होगा जो ये वाला हमारा नॉर्थ अमेरिका का रीजन है यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है। जब ये यहाँ से आती है, ये माउंटेन से टकराती है,
जब ये माउंटेन से टकराएगी, वही वाला लीवर्ड वाला फिनोमेना याद कीजिए जो मैंने आपको समझाया, जब ये विंड यहाँ की तरफ आएगी माउंटेन के इस साइड आके ठंडी मतलब गर्म हो जाएगी बहुत ज्यादा, जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी तो ये पूरे रीजन में फ्लो करेगी। अब देखिए जो मैंने अभी लिखा था स्नो ईटर वो क्यों होती है, देखिए आपको पता होगा जो सर्दी का मौसम होता है वो नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा स्नोफॉल करता है ना, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगी। जब ये बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगी, आप मान लीजिए यहाँ से विंड आई, ये गर्म हो गई, जब यही विंड बहुत ज्यादा गर्म हो गई तो यहाँ के जो रीजन में जो आइस जमी हुई थी ये सारी मेल्ट कर देगी, तो इसी वजह से इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है। ये आप यहाँ से पढ़िए, द स्नो प्रेजेंट इन द ग्राउंड सर्फेस मेल्ट अवे ड्यू टू द सडन राइज इन द टेम्परेचर एंड देयरफॉर चिनूक इज ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर। क्लियर हो गया, बस इस यही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जोंडा। जोंडा देखिए इसको डेफिनेशन को समझने से पहले एक ये चीज समझिए जो मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ। आपको पता होगा जो साउथ अमेरिका है हमारा, इसमें माउंटेन एंडी है, ठीक है, माउंटेन एंडीज, ठीक है, कुछ यहाँ पे हैं, ठीक है। जब यहाँ से जो विंड आएगी, ठीक है, एंडी माउंटेन से टकराएगी और ये जो विंड है ये गर्म होके ये जो पूरा रीजन है हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का ये सारे में फैलाएगी। अब यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए, सिमिलर टू चिनूक इट इज अ हॉट एंड स्लेटरी विंड ऑफ अर्जेंटीना एंड उरुग्वे ऑब्जर्व ऑन द लीवर साइड ऑफ द एंडीज माउंटेन। तो यही बस आपको याद रखना है कि जो एंडीज माउंटेन है वही हमको ये जोंडा विंड है विटनेस करने में हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी फोन। जो फोन है आपको पता होगा जो हमारा यूरोप है उसमें हमको देखने मिलता है एल्प्स माउंटेन, ठीक है, जो हम मैं रीजन मार्क कर रहा हूँ या हाईलाइटेड जो रीजन है यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं माउंटेन एल्प्स। क्लियर हो गया। अब देखिए जब यहाँ से जो विंड आएगी, ठीक है, जब विंड आएगी तो ये मॉइस्चर लेके आएगी, जब मॉइस्चर लेके आएगी तो ये माउंटेन इसको क्या करा देंगे, जब ये माउंटेन पास होगी तो ये लीवर्ड वाला फिनोमेना आ जाएगा, जब लीवर्ड फिनोमेना आ जाएगा तो यहाँ पे जो ये रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हमको विंड देखने मिलेगी। क्लियर हो गया। तो यही अब ये देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो ये वाला जो माउंटेन है इस पर बहुत ज्यादा स्नो जमी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्नो जमी हुई है, जब ये हवाएं आती हैं तो ये जो स्नो है वो बहुत ज्यादा जो स्नो को पिघला देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो वेदर होता है बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए वही लिखा हुआ है, द वेदर बिकम्स क्वाइट प्लीज एंड द वैली आर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो आफ्टर द अराइवल ऑफ फॉन विंड्स। क्लियर हो गया। चलिए अब देख लिए, डिस्कस कर लेते हैं, हमने सारी जो हॉट एंड ड्राई विंड थी वो सारी डिस्कस कर ली, अब देखते हैं कोल्ड एंड ड्राई लोकल विंड। देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही जो कोल्ड विंड है वो भी दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है ये ओरिजिनेट होती है पोलर रीजन में। पोलर रीजन से मेरा मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये हमारा पूरा अर्थ है, जो ये नॉर्थ वाला है ये भी नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ वाला है ये भी साउथ पोल है, ये है हमको 90 डिग्री पे दोनों देखने मिलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पोलर रीजन में। जो एग्जाम्पल है हमारे सामने है ब्लिजर्ड, ये एक विंड है जो पोलर रीजन से ओरिजिनेट होती है। और दूसरी हमको कहाँ देखने मिलेगी, ऑब्वियसली बात है जो हाई माउंटेन है ड्यूरिंग विंटर में हमको बहुत ज्यादा देखने मिलेगी, क्योंकि आप देखें जो विंटर में अगर आप माउंटेन वगैरह पे जाएं तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं वहां पे बहती हैं। तो इनके एग्जांपल है बोरा, मिस्ट्रल और पैम्पेरो, एक एक करके सारे समझेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे पहले से, ब्लिजर्ड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जो दो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये जान लो। देखिए ये बहुत ज्यादा इंटेंसली कोल्ड होती है, intensely cold, strong and abnormally high wind flowing in found in Siberia, Canada and northern US. Clear हो गया। और यही जो विंड है कोल्ड वेव जनरेट करती है। अब देखिए होता क्या है, जब ये विंड है बहुत ज्यादा तेजी से आती है तो ये अपने साथ जो बहुत सडन और बहुत रैपिड स्नोफॉल होता है वो भी कराती है, जिसकी वजह से क्या होता है कोल्ड वेव कंडीशन ओरिजिनेट होता है। और इन्हीं वेव को जो साउदर्न यूएस है इनको नॉर्दर्न के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं विंड को बुरान के नाम से जाना जाता है साइबेरिया में। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए आपको पता होगा जो ये वाला रीजन है यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है यूएसए में, तो ये जो विंड है यहाँ से आती है, यहाँ विंड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से जो यहाँ वाला रीजन है ये सारे में फैल जाती है। तो यहाँ वाले इलाके में जाना जाता है इनको ब्लिजर्ड के नाम से, और ये वाला है नॉर्दर्न के नाम से, बस इतना ही प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा बोरा, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड होती है जो 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 फ्लो होती है एड्रियाटिक सी में, जो कि नॉर्दर्न इटली में फाउंड हमको देखने मिलता है। अब मैं लोकेशन दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये कुछ एड्रियाटिक सी है हमारा, और ठीक है यहीं पे हमको जो विंड है देखने मिलता है।
क्लियर हो गया? बस यही है, आपको याद रखना है, और ये फ्लो होती है दिसंबर से लेके मार्च तक, यही चीज आपको याद रखनी है। अगर मिस्ट्रल की बात करें तो ये भी कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है जो हमको देखने मिलती है रोहान वैली। रोहान वैली मतलब क्या है मेरा, जो रोहान वैली है कुछ ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हमको देखने मिलती है ये वाली, कौन सी विंड? मिस्ट्रल विंड। क्लियर होगा? बस आपको दो तीन प्रॉपर्टीज याद रखना है क्योंकि कोल्ड वेव ज्यादा पूछते नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, बस ज्यादा आपको फोकस हॉट वाली पे करना है। लास्ट है हमारी विंड पेम्पेरो, जो आपको याद रखना है कि जो फ्लो होती है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में। क्लियर हो गया? और ये वाला जो पेम्पास का जो रीजन है यहाँ पे फ्लो होती है, बस यही याद रखना है कि ये जो पेम्पेरो विंड है ये साउथ अमेरिका में फ्लो होती है। तो ये था हमारा लेक्चर, अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।